हेलो दोस्तों, आज हम आयुष्मान कार्ड को प्रॉपर आईडी कार्ड साइज में प्रिंट करना सीखेंगे। अभी अप्रैल 2023 में जो आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो रहा है वे प्रॉपर साइज में नहीं है। अगर आप उसको प्रिंट करते हो तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी का सलूशन करते हुए मैंने एक फोटोशॉप एक्शन बनाया है। आपको बस इसमें अपना कार्ड ओपन करना है और एक क्लिक में ही आपका कार्ड प्रॉपर साइज में सेट भी हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाकर एक्शन फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ये फोटोशॉप एक्शन सभी फोटोशॉप वर्जन में काम करेगा, चाहे आपके पास फोटोशॉप 7 हो या फिर 2023। एक्शन फाइल डाउनलोड करने के बाद आप अपना फोटोशॉप ओपन कीजिए। फोटोशॉप में आपको एक्शन पैनल शो होगा। अगर एक्शन पैनल शो नहीं हो रहा तो आप ऊपर विंडो में जाइए, जहां पर आपको एक्शंस का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए तो आपका एक्शन पैनल शो हो जाएगा। इसमें आप राइट हैंड साइड में ऊपर जहां 4 लाइंस है वहां पर क्लिक कीजिए। वहां पर लोड एक्शन का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपने एक्शन फाइल डाउनलोड करके रखी है उसको क्लिक करके लोड कर लीजिए। आपके एक्शन जहां पर लोड हो जाएंगे आप जहां पर क्लिक करके इसको बटन मोड कर लीजिए तो जहां पर आपके एक्शन शो हो जाएंगे। मैंने जहां 4 एक्शन दिए हुए हैं इन चारों का क्या काम है ये हम देख लेते हैं। अब आप अपनी आयुष्मान कार्ड की फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल ओपन करते वक्त आपको ख्याल रखना है कि इसका रेजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच होना चाहिए। अगर आप लेटेस्ट फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो जहां क्रॉप टू बॉन्डिंग बॉक्स सिलेक्ट होना चाहिए, जहां पर पेज सिलेक्ट कीजिए। आप शिफ्ट प्रेस करके दोनों फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके करके फाइल को ओपन कर लीजिए। ये एक्शन जो अप्रैल 2023 में आयुष्मान कार्ड का फॉर्मेट आ रहा है उसके लिए है। फ्यूचर में फॉर्मेट चेंज होगा तो ये एक्शन काम नहीं करेगा, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अभी जो अप्रैल 2023 में आयुष्मान कार्ड की फाइल डाउनलोड हो रही है वे प्रॉपर आईडी कार्ड साइज में नहीं है, इसलिए ही ये एक्शन दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका फॉर्मेट सही हो जाएगा, तब इस एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष्मान कार्ड की फाइल ओपन होने के बाद आप अगर पहले एक्शन पर क्लिक करोगे तो आपका कार्ड आईडी कार्ड साइज में सेट होकर 4x6 पेपर साइज पर सेट हो जाएगा। ये डाई कट के लिए है। अगर आपके पास डाई कटर है तो आप ये एक्शन यूज कर सकते हो। इसको प्रिंट करने के बाद डाई कटर से काट सकते हो। डाई कटर से कटिंग प्रॉपर साइज में होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर डाई कटर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ये जो दूसरा एक्शन है इसमें भी आपका कार्ड सेट होकर 4x6 साइज पर सेट हो जाएगा। ये कैंची से काटने के लिए है। इसके चारों तरफ स्ट्रोक लग जाएगी ताकि आपको इसको प्रिंट करके काटने में आसानी रहे। ये जो तीसरा एक्शन है ये कार्ड को सेट करके A4 साइज पर सेट करेगा। ये भी डाई कटर के लिए है, इसमें स्ट्रोक नहीं लगेगी तो आप इसको प्रिंट करके डाई कटर से काट सकोगे। ये जो चौथा एक्शन है ये भी A4 साइज के लिए है, मैंने इसमें स्ट्रोक लगाई हुई है, आप इसको प्रिंट करके कैंची से आसानी से काट सकोगे। अगर आप इनमें से किसी भी एक्शन में प्रिंटर की कमांड ऐड कर लोगे तो आपका एक क्लिक में ही कार्ड सेट भी हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंटर की कमांड एक्शन में कैसे ऐड करते हैं उसकी वीडियो मैंने दी हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वे वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको इस एक्शन को रन करने में कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये एक्शन अप्रैल 2023 में जो फॉर्मेट आ रहा है उसके लिए है। फ्यूचर में अगर ये फॉर्मेट चेंज हो गया तो ये एक्शन काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमने आयुष्मान कार्ड को एक क्लिक में सेट करके प्रिंट करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
रहेगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर हो तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।